नीमच के जिलेवासियों को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि आज नीमच से हमारे 11 पेशेंट और अपना इलाज लेकर अपने घर को गए हैं। ऐसी स्थिति में आज नीमच में हमारे पास 67 एक्टिव केसेस हैं। आज हमारे एक पेशेंट जो पिछले 11 दिन से इंदौर में भर्ती थे, उनकी डेथ भी हुई है। नए बाजार के निवासी थे। साथ ही साथ एक और पेशेंट जिनकी डेथ 8 तारीख को हुई थी, उनका हम लोगों ने एहतियात के तौर पर सैंपल लिया था जो पॉजिटिव आया है। उनके बाकी परिवारों के सदस्यों के सैंपल हम लोग ले चुके हैं कोर्ट में। इसी के साथ साथ मैं एक और सूचना लोगों को देना चाहूँगा कि जैसे हमारा जावत को छोड़ के यानी शहर के पार्ट खुल गए हैं, तो अभी भी काफ़ी सारी जगह पे भीड़ देखी जा रही है और लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। मेरा लोगों से अपील है और निवेदन है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण जावत में फैल रहा है या और देश के अन्य भागों में फैल रहा है, ऐसी स्थिति को देखते हुए हमको अपने जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए और जो हमारे निर्देश है मास्क लगाने के या फिजिकल डिस्टेंसिंग के, उसका पालन करना चाहिए। जावत के समय सिर्फ मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि स्थिति हमारे धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। हमारा सर्वे का कार्य हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ ही हमारी वहाँ फीवर क्लिनिक एक्टिव चल रही है। सारे शहर की फीवर क्लिनिक बहुत अच्छे चल रहे हैं, जहाँ पे कोई भी सर्दी खांसी बुखार के लक्षण वाला आदमी आ सकता है और अपना इलाज करा सकता है। जावत में कर्फ्यू हम लोग बरकरार रखा हुआ है और आगे कुछ दिन और रखेंगे जब तक हमारा पूरा जावत के जो केसेज हैं वो निकल के नहीं आ जाते। इसमें अभी तक की जो अच्छी बात है कि हम लोग जितने भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस को निकाल पा रहे हैं, उनके हम लोग आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। मेरा जावत के निवासियों से ये भी अपील है कि अगर उनको कोई भी इस तरह की लक्षण दिखता है तो वो हमसे कुछ जानकारी छुपाएं ना। हमारे सर्वे की टीम रोज़ हर घर में जा रही है, उनको बताएं। साथ ही साथ हम लोगों ने पूरे जावत के नगर में हम लोग काढ़ा बंटवा रहे हैं, हम लोगों ने 2 राउंड काढ़े के बंटवाए हैं वहाँ पे।